बुक ली है बच्चों, बताइए। मैम अभी नहीं। नव्यांश बुक नहीं ली है तो बुक ले लीजिएगा स्कूल से। तो यस मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। द किंग हू स्टंक, आयुषी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। नो बुक ली है? मैम। चलो ठीक है, आप भी स्कूल से आकर बुक ले लेना, ठीक है? तो इंग्लिश का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यस मैम। द किंग हू स्टंक, ये वाला। यस मैम। स्टार्ट करते हैं। Naren was very rich. He had inherited a huge fortune from his forefathers. So Naren जो था वो बहुत अमीर था और उसको अपने forefathers, forefathers क्या होते हैं बच्चों? forefather मतलब होता है जो ancestors होते हैं, यानी कि जो पूर्वज होते हैं, उनसे उसको एक बहुत अच्छा भाग्य मिला था, सौभाग्य मिला था। He lived in a large mansion, और वो एक बड़े से मैंशन में, बड़े से बंगले में रहता था। His enormous wealth had made him idle, lazy and slothful. अब उसको अपने पूर्वजों से, फोरफादर से नरेन को इतना सारा पैसा मिला था तो वो बैठ बैठ कर मतलब उसको कुछ काम तो करना नहीं रहता था, इतना अमीर था, रिच था, तो वो हमेशा बैठने की वजह से, इतना ज्यादा पैसे की वजह से वो बहुत ज्यादा लेजी, आइडल और स्लोथफुल, मतलब वो कुछ भी ना करने वाला, एकदम अजीब सा पड़ा रहने वाला बन गया था। He did not need to work or did he wish to further expand his fortune. उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी, उसके पास इतना पैसा था कि उसका फ्यूचर अच्छे से चल जाता। He was not only too lazy to work, but he also too lazy to take a bath. अब वो इतना ज्यादा lazy हो चुका था, वो सिर्फ काम करने में उसको आलस नहीं आता था, उसको bath, take a bath यानी कि नहाने में भी, साफ सफाई करने में भी वो बड़ा आलसी हो चुका था। Nobody remembered when he had bath last. Last time उसने कब नहाया था, किसी को ये बात याद नहीं थी। He loved not bathing so much that he was not afraid that he could catch a cold if he ever had a shower. वो इतना ज्यादा उसने नहाना छोड़ दिया था कि उसके मन में डर आ गया था कि अगर मैं नहाऊंगा तो मुझे ठंड लग जाएगी, मैं मुझे कोल्ड हो जाएगा। You can imagine what would happen to a person who did not take a bath for months on end. आप सोच सकते हो अगर कोई इंसान है जिसने महीनों तक कोई चीज नहीं करी है तो वो दोबारा उसको करने से डरेगा। और इसी तरह जब उस नरेन ने महीनों तक नहाया नहीं था तो नहाने से, पानी से उसको डर लगने लगा था। He now stunk with foul smell. अब वो stunk करने लगा था, बहुत ही बुरी उसमें से बदबू आने लगी थी। He stunk so greatly that it would be the fittest punishment for any criminal to order to be near him for some time. वो इतना बुरा स्मेल करता था, स्टंक करता था,
कि किसी क्रिमिनल के लिए एक बहुत बड़ी सजा थी कि उसको उसके पास बैठा दिया जाए. दिस वॉज द रीजन दैट नोबडी लाइक टू कम नियर हिम. यही एक रीजन था कि कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता था. बट डोंट थिंक ही वॉज विदाउट अ कंपनी. लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास सेना नहीं थी या लोग नहीं थे. He was never without a company. वो लोगों के बिना कभी नहीं रहता था. Hordes of people always surrounded him like flies swarm round the honey. ढेर सारे लोग उसके आसपास ग्रुप बनाकर रहते थे, जैसे कि कोई मक्खियां होती हैं शहद पर रहती हैं, चिपकी रहती है. वैसे ही ढेर सारे लोगों का ग्रुप उसके आसपास भिनकता रहता था. क्यों था ऐसा? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था. People would laugh at his dirty habits, but still they would visit him. लोग उसके गंदगी का मजाक उड़ाते थे. लोग बहुत हंसते थे कि ये कितना गंदा है, नहाता नहीं है, स्टंक करता है, बदबू करता है. लेकिन लोग फिर भी उसके आसपास घुस मतलब इकट्ठा होते थे, बहुत ज्यादा भीड़ लगाते थे. They would always be armed with handkerchiefs to press their noses to avoid the foul air, and if they ever forgot their handkerchiefs, they would press their noses in their sleeves. और जितने लोग उसके पास हमेशा घुसते थे वो क्या करते थे? वो हमेशा अपने हाथ में handkerchief लिए रहते थे. हमेशा उनके हाथ में एक रुमाल होती थी, और अगर वो रुमाल भूल जाते थे तो वो अपनी sleeves से अपनी nose को छुपा लेते थे ताकि वो जो smell था वो उनके पास ना आए. But they did all this only when they were not in Naren's sight. लेकिन वो लोग ऐसा ना तभी छुपाते थे जब नरेन जो था वो उनको देख नहीं रहा होता था. वो छुप कर उससे अपनी नोज को छुपाया करते थे. At such times they would try to stop their beat as long as they could. और जब कभी कभी वो देखता रहता था तो वो लोग अपनी स्मेल को ना इनहेल करने के लिए क्या करते थे? अपनी ब्रीथ को स्टॉप कर लेते थे. तब तक सांस रोके रखते थे जब तक वो उनकी तरफ देखना बंद ना करते. और जब वो देखना बंद कर देते थे तब वो अपनी नोज को बंद कर लेते थे. डू यू फाइंड इट अमेजिंग दैट सो मेनी पीपल सराउंडेड हिम एट ऑल टाइम्स डिस्पाइट हिज फॉल स्मेल? क्या अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जब इतनी ज्यादा उसको स्मेल थी, इतना बदबूदार था वो, फिर भी इतने सारे लोग भीड़ लगाकर उसके सामने क्यों घुसते थे? देखो यहाँ पर देखो इमेज में देखो दिख रहा होगा, ढेर सारे लोग इसके आसपास हमेशा रहा करते थे. लेकिन क्यों रहते थे? Nobody cared. Well, there is nothing to be amazed about it. लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है. Nobody cared for the morbid odor emanating from him because Naren bestowed favors on everybody very generously. लेकिन सब लोग उसकी उस बदबू को बर्दाश्त क्यों करते थे? क्योंकि नरेन के पास बहुत सारा पैसा था और वो बड़ा हेल्पफुल भी था. वो लोगों की बहुत हेल्प करता था. This was the reason that their flock a train of jesters and false admirers around him who would sing songs of endless eulogy. और इसी वजह से जितने सारे उसके admirers थे, झूठे जो शुभचिंतक थे, वो इसीलिए उसके आसपास भीड़ लगाते थे क्योंकि वो सबके ऊपर कुछ ना कुछ फेवर कर देता था. If ever they needed to pout because of the bad smell, they would not let him know of it. अगर कभी भी उनको मुंह बनाना होता था या नाक को दबाना होता था या माउथ पर हाथ रखना होता था तो कभी भी वो ये नहीं, नरेन को कभी पता नहीं चलने देते थे. वो हमेशा नरेन से छुपा कर ऐसा कुछ करते थे. इट इज हार्ड टू रेजिस्ट प्रेज एंड नरेन वॉज सो नो एक्सेप्शन. और आप सबको पता है कि जब कोई तारीफ करता है तो उसको सुनकर सब लोग खुश होते हैं. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी तारीफ ना अच्छी लगती हो. तो नरेन भी उनमें से एक था. He had been lauded so much that he himself believed that he possessed
the noblest of qualities, he now thought that no other man on earth was as virtuous as him. तो इतना ज्यादा लोग उसकी तारीफ करते थे नरेन की, अब उसको खुद को लगने लगा था कि मुझसे अच्छा इस पूरे दुनिया में कोई नहीं, जितनी क्वालिटीज मेरे अंदर है उतनी क्वालिटीज किसी में नहीं. उसको सारी अपनी जो प्रेज था वो सब सच लगने लगा था. He now thought that no other man on earth was as virtuous as him, and when one man quartered him with the great king, he was convinced to pronounce himself as the town king, if not the great king. So, जब उसको अब सुनने को ये भी अच्छा लगने लगा था कि वो पूरे टाउन का किंग है, लोग उसको टाउन किंग कहने लगे थे, तो उसको भी ये आदत पड़ चुकी थी सुनने की कि हाँ मैं पूरे टाउन का किंग या फिर ग्रेट किंग. सून एन ऑर्डर फॉर अ गोल्ड क्राउन स्टडेड विद प्रीशियस स्टोन वाज प्रॉम्प्टली गिवन. और जल्दी ही एक सोने का मुकुट बनाने का ऑर्डर दे दिया गया. अ टीम ऑफ गोल्ड स्मिथ सैट ओवर अ वीक टू फॉग अ क्राउन हुज ग्लोरी वाज इनकम्पेरेबल. तो तभी ढेर सारे जो सोने का काम करते थे बुलाया गया और उन सबको बुलाकर क्राउन बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया. नरेन ऑर्डर्ड फॉर हिज कोरोनेशन. नरेन ने अपना ऑर्डर दिया. द कोरोनेशन वाज टू फॉलो विद ग्रेट रिजॉइसिंग एंड पीस द सेवरल डेज. और जब उसका खुशी का जब दिन आ रहा था, नरेन ने सबको इनवाइट किया और कई दिनों तक वो प्रोग्राम जो था वो चलने लगा. अविका मिश्रा आवाज आ रही है. अदिजा मिश्रा. अच्छा, यहाँ पर अविका लिखा हुआ है बेटा आपका नाम. तो यहाँ पर सिस्टम में आपका नाम अविका मिश्रा आ रहा है. दीदी का नाम है. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. तो बेटा ये क्लास 5 चल रही है. आप क्लास 1 में हो ना? हाँ मैम. हाँ, तो आप जो फर्स्ट क्लास चलती है ना उसमें आपकी क्लास चलेगी. आज आपकी क्लास अभी नहीं है, आप कल आइएगा. ठीक है, स्कूल में एक बार कॉल करके कन्फर्म कर लो बेटा कि कौन सा आपका क्लास चलेगा. ठीक है, किस किस टाइम पे आपकी क्लास चलेगी, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. मैम आप अपना नंबर दे दीजिए. वो स्कूल से आपको मिल जाएगा बेटा, स्कूल से ले लीजिएगा. ठीक है, अभी हम लोग देखो क्लास 5 पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 5 इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये आपका क्लास नहीं. ठीक है, चलो बाय बाय अदिजा. तो हाँ, उसने फिर एक फीस्ट का ऑर्डर अरेंजमेंट कराया एंड फीस्ट फॉर सेवरल डेज. और दावत का, कई दिनों की दावत का अरेंजमेंट हो गया. ऑल प्रिपरेशंस वर मेड इन अर्नेस्ट. ही स्पेंट मनी लैविशली. ढेर सारी तैयारियां कराई उसने और ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया. ऑन द ऑस्पिशियस डे एज अनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट एडमिट्स द वुमेन डांसिंग एंड सिंगिंग इन देयर कलरफुल क्लोथ. Naren sat on his seat which looked like a throne. और जिस दिन वो सारा, जिस दिन उसका ताजपोशी होना था, उस दिन ढेर सारा प्रोग्राम हुआ, ढेर सारी जो डांसर्स थी वो नए नए कपड़ों में आकर डांस कर रही थी और नरेन जो था वो एक कुर्सी पर बैठ गया और वो कुर्सी ऐसी लग रही जैसे उसको उसका वो सिंहासन बनाया गया और थ्रोन बनाया गया. A team of priests sang the holy rhymes and placed the glorious crown on his head. ढेर सारे प्रीस की टीम ने वो होली राइम्स गाई और वो जो क्राउन था वो इसके सर पर लगा दिया. द स्प्लेंडेड क्राउन कवर्ड नॉट ओनली अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज हेड बट ऑल्सो हिज ईयर्स. उसके कान और उसका सर पूरा उस क्राउन से ढक गया. इवन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ही हैड नॉट टेकन अ बाथ फॉर ही बिलीव दैट हिज फॉर्चून वॉज गोइंग टू हिज नॉट टेकिंग अ बाथ. उसने आज के दिन भी नहाया नहीं था, इतना बड़ा दिन था फिर भी वो नहीं नहाया. उसको लगता था कि मैं नहीं नहाता हूँ इसीलिए सब लोग मुझसे इतने खुश रहते, इसीलिए मेरा किस्मत इतना चमक रहा है. तो द कोरोनेशन वॉज स्कार्स कम्प्लीट व्हेन अ टेरिबल इंसिडेंट ऑफ. ये सारा समारोह कम्प्लीट हुआ ही था कि कुछ
बहुत ही टेरिबल सा घट गया. एक्चुअली द ग्रेट किंग हैड कम टू नो दैट फिल्थी थिंकिंग मैन हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द टाउन किंग विदाउट हिज परमिशन एंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कोरोनेशन. तो अब ये सब इतना बुरा क्या क्यों हो गया था, क्योंकि जो वहां के किंग थे उनको ये बात पता चल गई कि कोई बहुत ही बदबूदार आदमी है जो कि अपना ताजपोशी जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो करा रहा है और अपने आप को टाउन का किंग कहला रहा है, वो भी बिना परमिशन के. द ग्रेट किंग एंटर्ड द हॉल जस्ट व्हेन द क्राउन हैड बीन प्लेस्ड ऑन नरेन्स हेड एंड हिज जेस्चर्स वर हेलिंग हिम विद द ग्रेट अचीवमेंट. और जो हाँ जो ग्रेट किंग था वो वैसे ही एंटर किया जैसे ही उसके सर पे ताज पहनाया जा रहा था. All hustle and bustle came to a pin drop silence as soon as the great king thundered, "Hey you, how dare you challenge my authority?" जैसे ये सब हलचल हो रही तभी वो किंग आकर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को मेरे नाम को लेने की. Seeing the great king before him, Naren did not know what to say. अब इतने बड़े राजा वहां पर उसके सामने खड़े थे तो नरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. What struck in his throat and that stared in his eyes when he cried, "Please forgive me, O great king." उसको ऐसा लग रहा था कि death उसके सामने आ चुकी है. अब वो क्या कह रहा है कि great king, please forgive me, मुझे माफ कर दीजिए. Put that crown off, ordered the king. King ने कहा कि जो ताज तुमने पहना है जो मुकुट उसको निकाल के नीचे रख दो. Poor Naren raised his hand to remove his crown but could not. अब नरेन ने अपना हाथ उठाया उसको क्राउन को उतारने के लिए लेकिन वो नहीं कर पा रहा था. He put both his hands but could not yet. दोनों हाथ लगाकर उतारने की कोशिश की फिर भी नहीं उतार पा रहा था. He applied all his strength but no to avail. पूरी ताकत लगा दी उसने फिर भी वो मुकुट नहीं उतरा. He asked the priest to remove it but without result. प्रीस्ट उसने कहा कि निकाल दीजिए फिर भी वो नहीं निकल पा रहा था. The crown would not come out. And then he asked other people to remove it. अब उसने कई पूरी ताकत लगा दी तो और लोगों से उसने कहा लेकिन वो क्राउन जो था वो अटक गया था उसके सर में वो निकल नहीं रहा था. But they failed too. सब लोग फेल हो गए. They tried one by one and then they tried it too, but nothing happened. पहले उन्होंने एक एक करके कोशिश की उसके बाद उन्होंने साथ में ट्राई किया निकालने का लेकिन कुछ नहीं हुआ. As this while, the great king was going impatient. और ये सब होने लगा जब तो जो ग्रेट किंग थे उनको बड़ा impatient हो गया. वो बहुत गुस्से में आने लगे. He screamed, उन्होंने चिल्लाया, "Do it quickly or I'll cut your head off." अगर तुमने नहीं उतारा अभी इसको जल्दी से तो मैं तुम्हारा हेड भी कट कर दूंगा, सर काट दूंगा. And then there was a long line of people who wanted to accomplish this task. और कब ढेर सारे लोगों की लाइन लग गई उसके सर पे मुकुट उतारने के लिए. None of them cared of stinking foul smell that emitted from Naren. कोई भी फिर उस बदबू की चिंता नहीं कर रहा था जो नरेन के अंदर से आ रही थी. All of the prize money for all. हाँ तो जब राजा ने कहा कि अगर इसको नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारा हेड कट कर दूंगा तो नरेन बहुत कंफ्यूज था और बहुत डर गया. तो उसने क्या कहा कि ब्लटर्ड उसने कहा नरेन ने कहा anyone who removes my crown will get 5000 gold coins. तो नरेन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे सर से ये क्राउन निकाल देगा उसको मैं 5000 सोने के सिक्के दूंगा. तो फिर सारे लोग आ गए उसका क्राउन निकालने के लिए. फिर किसी को बदबू नहीं आ रही थी, सबको सिर्फ प्राइस चाहिए था, सोने के सिक्के चाहिए थे. हार्ड दे ट्राइड टुगेदर दे ट्राइड बट द क्राउन वुड नॉट कम ऑफ. सबने एक साथ कोशिश की लेकिन जो ताज था वो नहीं निकला. सर देयर इज नो वे अदर देन टू सीवियर हिज नेक. तो उसने कहा सजेस्टेड टू कमांड द कमांडर ऑफ द ग्रेट किंग. तो उसने कमांडर था किंग का, उसने कहा कि सर अब कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब इसका सर ही काटना पड़ेगा.
सर देर इज हाँ नो गिव मी अ चांस स्पीक पुअर नरेन. नरेन ने कहा नहीं नहीं रुकिए मुझे एक और मौका दीजिए. सजेस्टेड ही नेवर न्यू दैट दिस कुड ब्रिंग सो ग्रेट कैलामिटी अपॉन हिम. उसको नहीं लगा था कि एक ताज पहनने की वजह से एक मुकुट पहनने की वजह से उसके ऊपर इतना ज्यादा तकलीफ आ जाएगी. थ्रू ऑल दिस अ यंग चाइल्ड स्टूड इन वन कॉर्नर लुकिंग एट द ड्रामा अनफोल्डिंग बिफोर हिज आईज. यही सब जब चल रहा था तो एक छोटा बच्चा था जो कॉर्नर में खड़ा था जो ये सब सारा ड्रामा जो था वो देख रहा था. फाइनली द ग्रेट किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू बिहेव हाँ बिहेड नरेन who was now weeping inconsolably मतलब चुप किसी के चुप कराने से वो चुप नहीं हो रहा था बहुत रो रहा था. तो वो जो लड़का था the great king ordered the commander हाँ तभी जो great king ने commander को order दे दिया. his cries rent the air when he saw the commander coming towards him with his naked long sharp shining sword. और उसका जो आंसू था वो और ज्यादा हो गया जब उसने देखा कि जो कमांडर है वो अपनी हाथ में एकदम तलवार लेकर एकदम धारदार तलवार लेकर चमकीली तलवार लेकर उसके पास बढ़ रहा है. अंकल प्लीज होल्ड बच्चे ने कहा अंकल प्लीज रुकिए. गिव मी अ चांस मुझे एक मौका दीजिए. आई कैन रिमूव हिज क्राउन विदाउट इवन एडिशन टू द रिवॉर्ड ही हैज डिक्लेयर. उसने कहा कि मैं इस मुकुट को बिना इनाम लिए भी निकाल दूंगा. मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए मैं इस मुकुट को निकाल दूंगा. द बॉय सेड राइट अंकल फेच मी अ बाथटब. उसने कहा कि अंकल एक नहाने का जो टब होता है वो मुझे लाकर दीजिए. अ बाथटब वॉज प्रॉम्प्टली ब्रॉट और फिर एक बाथटब लाया गया जिसमें नहाया जाता है. देखो यहाँ पर ये लोग सब इकट्ठा होकर उसको बात करने बिठा दिए. फिल इट विद वार्म वाटर इसमें थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी डालिए. ओनली एज मच टाइम वॉज टेकन एज वॉज नीडेड टू हीट अप द वाटर. सिर्फ पानी गर्म करने में टाइम लगा बाकी सबने जल्दी से उसको फिल कर दिया. मिक्स इट विद सोप द चाइल्ड पास्ड हिज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. उसने कहा कि इसमें साबुन मिला दीजिए सोप मिला दीजिए. And when the soapy warm water was ready, the child passed his final verdict, put him in this water. और जैसे ही वो साबुन वाला पानी तैयार हो गया child ने क्या कहा इनको इस पानी में डाल दीजिए. Naren saw some hope of saving his head. He removed his splendid clothes and entered the bathtub himself. उसको लगा नरेन को लगा कि अब मैं बच जाऊंगा. उसने अपने सारे कपड़े हटाए और वो पानी में बैठ गए. In no time, the filth that had accumulated on his body over years softened and loosened. और जल्दी ही उसके शरीर से जो इतने सालों से ना नहाने की जो बदबू आ रही थी वो सब धीरे धीरे कम हुई और गायब हो गई. And the crown came off itself. और जो ताज था वो अपने आप उतर गया. This also led to washing off the foul smell. और जो बदबू थी वो भी चली गई. While the great king looked at the clever child with a broad smile. और तभी जो महान किंग थे उन्होंने बच्चे की तरह स्माइल करते हुए देखा जो कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था. Never Naren heaved a great sigh of relief. Naren को भी बहुत ही संतुष्टि मिली. While the people were thinking that they would no more need their handkerchiefs while being in Naren's proximity. अब लोगों को भी बड़ा संतुष्टि मिला कि अब हमें रुमाल लेकर इसके आसपास नहीं रहना पड़ेगा. अब हम बिना रुमाल के भी इसके साथ रह सकते. तो चलिए देखिए inherit. इनहेरिट की मीनिंग क्या होती है बच्चों बताइए. टू गेट फ्रॉम फोर फादर्स जो आपको आपके पूर्वजों से मिला. इनहेरिटेड मतलब टू गेट फ्रॉम फोर फादर्स मतलब अपने पूर्वजों से जो मिला होता है वो होता है इनहेरिटेड.
सेकेंड मीनिंग वर्ड मीनिंग क्या है? इनॉर्मस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनॉर्मस बताइए. Extremely large, बहुत ज्यादा बड़ा. Enormous का मतलब होता है extremely large, बहुत ही ज्यादा बड़ा. Foul, foul मतलब foul. इतनी बार अभी हम लोग पढ़े थे foul का मतलब क्या होता है बताइए. Dirty and Smelling bad, बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरी बदबू वाला है ना. फिर होड, होड मतलब a large crowd. होड मतलब a large crowd. इस तरह देखते हैं और वर्ड्स की मीनिंग क्या है. यूलॉजी, यूलॉजी जो यूलॉजी मतलब फॉल्स प्रेज, जो नरेन को सब लोग झूठा प्रेज करते थे है ना, झूठी उसकी तारीफ करते थे बिना मतलब उसको सर पे चढ़ाते थे, जो कि क्या है यूलॉजी. फिर मैंशन, मैंशन हमने आपको बताया एक बहुत बड़ा सा घर, A large, impressive house, बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा सा घर. Slothful, slothful जो कि नरेन था, आलसी. No end, exceedingly, no end मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, exceedingly. Morbid, morbid मतलब unpleasant, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते. Jester, jester मतलब and admirer, जो कि तारीफ करता है, जो कि बहुत प्रशंसा करने वाला. पाउट मतलब टू मेक फेस, मतलब मुंह बनाना, जब उसको स्टिंग करता था ना जब नरेंद्र, सब लोग आपके आसपास मुंह बनाया करते थे. ऐसे ही सारी वर्ड मीनिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर. आयुषी, नव्यांश आवाज आ रही है ना? आयुषी नव्यांश Can you hear me? बताइए. अभय, अभय आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो चैप्टर आपने पढ़ा, समझ में आया चैप्टर? मैम नव्यांश है. हाँ नव्यांश, आपने पढ़ लिया ना चैप्टर, समझ में आया ना? बच्चों क्वेश्चन का आंसर देना है बताइए. चैप्टर समझ में आ गया नव्यांश? सबसे पहले तो आप लोग बुक ले लीजिएगा. यस मैम. तो नव्यांश बताओ, फ्रॉम हूम डिड नरेन एंड इनहेरिट अ ह्यूज फॉर्च्यून. नरेन को किससे बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया था, इससे उसकी किस्मत जो थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, कहाँ से, किनसे मिला था? नरेंद्र को अपने पूर्वजों से. हाँ, फोर फादर्स है ना, उसके फोर फादर्स. चलो बताओ, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डिड नरेन हैव? नरेन के पास कैसी स्मेल थी? नरेन के पास गंदी स्मेल थी. फाउल, फाउल बताया ना हमने, फाउल, डर्टी एंड स्मेलिंग बैड, फाउल. व्हाट वुड पीपल डू व्हेन नॉट इन नरेन्स साइट? बताइए. व्हाट वुड पीपल डू व्हेन नॉट इन नरेन्स साइट? साइट यानी कि उसके नजर में नहीं रहते थे तो क्या करते थे?
बताइए। अपनी नोजी छुपाते थे। हाँ, हैंडकरचीफ से अपने मुंह को कवर कर लेते थे, नोज को कवर कर लेते थे। व्हाट डिड नरेन डिसाइड टू प्रोनाउंस हिमसेल्फ एज? नरेन ने अपने आप को क्या कहलवाना डिसाइड करा? टाउन किंग। करेक्ट, गुड। उसने अपने आप को टाउन किंग कहलवाया। व्हाट वाज गॉट मेड फॉर नरेन? बताइए, व्हाट वाज गॉट मेड फॉर नरेन? एक क्राउन ना, एक क्राउन बनाया गया नरेन के लिए। चलो ठीक है, ये वाला चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है? मैम इसका पीडीएफ में? हाँ हाँ, सब मिलेगा। पहले चैप्टर को पढ़िए, समझिए, फिर सब मिल जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय। थैंक यू मैम।